हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से मोजे बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 10x10 इंच का एक स्क्वायर कपड़ा लिया है। आप ये किसी भी साइज़ वालों के लिए बना सकते हैं। इसका नाप कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसी के नाप का एक कपड़ा और लेंगे। अगर आप इनको गर्म बनाना चाहते हैं तो एक फोम का पीस ले लें और दोनों कपड़ों को आपस में अटैच कर देंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसको डबल करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस प्रकार से इंची टेप को रखते हुए हम 5.5 पे मार्किंग करेंगे और अंदर की साइड में 1.5 पे। सेम हियर 1.5। इसको आपस में मिला करके यहाँ पे हाफ इंच का राउंड देंगे और इसी लाइन के ऊपर से कपड़े को कट कर देंगे। फ्रेंड, वीडियो पसंद आती है मेरी आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, नोटिफिकेशन भी ऑन करें। अब हम एक तिरछी पट्टी लेंगे 1 इंच का और जहाँ से हमने कट किया था वहाँ से राइट साइड में लगाएंगे इसको। इसको हमें सिंगल लगाना है। इसको पूरे में लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की साइड मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। आप इसी पैटर्न में छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम इसको फिर से डबल करेंगे और नीचे से सिलाई लगाएंगे। हील वाली साइड में हम हाफ इंच का राउंड देंगे। यहाँ से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे राउंड देने के बाद। अब इसको हम सीधा करेंगे, जैसे कि इसका सिलाई जो है वो नीचे की साइड में बिल्कुल सेंटर में आए। अब हम इसके फिट की मार्किंग करेंगे। मार्किंग इस प्रकार से करेंगे कि हमारा अंगूठा और फिंगर्स अलग अलग हो जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर अपना पैर रख करके भी मार्किंग कर सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया उसको कट कर देंगे। सिलाई से बिल्कुल थोड़ा सा बचाते हुए हमें लेना है और बीच में से भी। अब हम मोजे को सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में हमारा बहुत ही सुंदर मोजा बन करके रेडी है। सेम प्रकार से हम दूसरे को भी बना लेंगे। इसे मार्किंग में ध्यान रखें कि दोनों पैर अलग अलग बने। ये देखिए कितने अच्छे से फिट हो गया है। अब मैं इसका नाप लेना आपको बताती हूँ। नाप लेने के लिए हमें करना क्या है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, एडी से लेके अंगूठे के छोर तक नाप लेना है। यहाँ पे यह आया है 9, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे और अब इसका राउंड नाप लेंगे। राउंड भी 9 आया है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।